जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हिम्मत कैसे हुई तेरी? जब से इस घर में आई है तब से मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है तू। क्या साबित करना चाहती है कि मेरी बेटी ब्याह से पहले गर्भवती हो गई है? तू मेरी बेटी को बच्चा साबित करना चाहती है? नहीं मामी, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नवेली की फिक्र है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम नवेली को उस आदमी, मेरा मतलब उसके बॉयफ्रेंड से दूर रखें। हाय, कि क्या बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगा के रखा है तूने? मैंने तेरे से साफ साफ कह दिया है कि नवेली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन तू है कि उसके पीछे हाथ धोके पड़ गई है। और ये तेरी हिम्मत कैसे है ये कहने की कि ये नवेली का है? तू हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती है। ए धारी देवी, ए धारी देवी, मुझे ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? मामी, मामी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा आप पर नवेली पर कोई इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं था मामी। हमारे घर में प्रेगनेंसी किट मिली है मामी, मेरी तो नहीं है। तो फिर नवेली के अलावा और किसकी हो सकती है? मामी, अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ, तो आप पूछे नवेली से कि कल डायपर्स के बिल में 100 रुपीज एक्स्ट्रा किस चीज के थे। मामी, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? नवेली, मैं ये सवाल पूछकर कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जेन्युइनली मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर शादी से पहले वो लड़का कोई ऐसी वैसी हरकत करने पर तुम्हें मजबूर कर सकता है, इसका मतलब वो इंसान ठीक नहीं है। नवेली, अगर तुम किसी भी प्रेशर में आकर उसे मना नहीं कर पा रही ना, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी उससे। लेकिन नवेली, तुम प्लीज अपनी जिंदगी यूं खराब मत करो। नवेली, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। छोटी मालकिन, धारी माँ का आशीर्वाद बना रहे आप पर। कल जो आपने म्यार में मेडिकल से बाम मंगाया था ना, उससे मेरे कमर का सारा दर्द ठीक हो गया। आज बहुत दिनों के बाद आराम से झुक के काम कर पा रहे हैं। सुन लिया चाह, ये जो बिल में एक्स्ट्रा 100 रुपए लगे हैं, इससे मैंने सुनीता के लिए बाम खरीदा था। अब तो तुम्हें बात समझ आ गई होगी ना? सुनीता, तू जा यहां से, मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूं इससे। जी। ये तो कयामत के आसार है। क्यों बुआरी, मिल गई कलेजे को ठंडक? अरे, मेरी बेटी ने एक गरीब की मदद करने के लिए 100 रुपए खर्च किए थे और तूने तूने उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। हमारे परिवार की लड़कियां ब्याह से पहले गर्भवती नहीं होती है। और ना ही अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना भागकर ब्याह करती है। और मेरी नजर में जो छुआरी भागकर ब्याह करे ना, बच्चलन तो वो है। इस
घर ने तुझे इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, तेरे माँ बाप का अगला पिछला जाने बिना तुझे यहाँ रहने का आश्रय दिया, तेरी बार बार गलती करने पर भी तुझे माफ किया, और व्यास जी ने तो तुझे सरस्वती तक का स्थान दे दिया, और फिर भी तू मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है, उसे बच्चलन बोल रही है, दिन दहाड़े नील के साथ चिपका चिपकी करती रहती है। ऐसे तो संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे, और सुहाग की रात को खुले में छत पर सोने के लिए अपने पति के साथ मेरी बेटी नहीं गई थी। और तू, तू मेरी बेटी को बच्चलन बोल रही है, तू साबित क्या करना चाहती है? क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? चाय से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं लाटे, इसमें तेरी बुआरी की कोई गलती नहीं है, ये गलती तो मेरी है। जो इतने सालों से नौकरों की तरह इस घर में काम कर रही हूं मैं, रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रही हूं मैं, ये सोच कर कि ये मेरा ही परिवार, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इस घर की नई बहू मेरी बेटी पर बच्चनी का लांछन लगाएगी। लौटे लौटे, तेरी तेरी बोरी बोल रही है कि तेरी बहन है, ये से पहले गर्भ की जांच की है। ये बोल रही है कि ये नमेली का है। जात, क्या है ये सब? नील, मैं नवेली पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो बस नवेली से ये पूछ रही थी, सच में वो प्रेगनेंसी किट नवेली की है तो आपको नहीं लगता नीला मैं एक बार उसके बॉयफ्रेंड से बात करनी चाहिए? मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले ही नवेली के दामन पर दाग लग जाए, और नवेली को वो दाग लेकर जिंदगी भर जीना पड़े। देखा, सुन लिया ना तूने? अब तू ही बोल, तेरी बहन ऐसा कभी कुछ कर सकती है? अरे इतना ही नहीं, अब तो ये भी साबित हो गया है कि कल नवेली सुनीता के लिए बांग लेकर आई थी, और इसे लगता है कि उन पैसों से इसने ये खरीदा है। हरी देवी देख नीचे, खुद की खुशियों का बलिदान देकर मैंने इस घर की सेवा की है, मुझे क्या पता था कि इस घर की नई बहू मेरी बेटी पर बच्चली का आरोप लगाएगी। बड़ी मेहरबानी हुई व्यास जी की और तेरी बेटा, जो तूने अपनी मामी को दो वक्त की रोकी सूखी रोटी खिला दी। लेकिन लाटे, मैं इस बदनामी के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं तेरे मामा जी को बोल दूंगी कि टेरी में कोई भी किराए पर मकान देख ले, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मामी, मामी, मामी। नहीं, रुकिए। मामी, मामी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मामी, मेरा सच में वो मतलब नहीं था मामी। नवेली प्लीज, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं नवेली, लेकिन ये जो चाहत का वहम है इसे हमें दूर करना है। तो क्या तुम मेरी कसम खा के ये कह सकती हो कि ये जो प्रेगनेंसी किट है वो तुम्हारी नहीं है?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।